के पास आ रहा हूं। योगी जी का प्लीज बयान प्ले करिए जिसमें वो बता रहे हैं कि कश्मीर बंगाल केरल ना बन जाए उत्तर प्रदेश, वो किस संदर्भ में कह रहे हैं मैं पूछूंगा वैभव जी आपके पास, लेकिन प्लीज योगी आदित्यनाथ जी का बयान प्ले करिए, सूबे के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। और मुझे आपसे अपने दिल की एक बात कहनी है, इन 5 सालों में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ, सावधान रहिए आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर बंगाल और केरल बनती देर नहीं लगेगी, आपका वोट मेरे 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, और यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त तो जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। इस बयान से आप लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा योगी जी के इस बयान से? नफा नुकसान की कोई बात नहीं है, योगी जी ने दिल से बात बोली है, बेशक वो सूबे के मुखिया हैं, बेशक वो भाजपा के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये दिल से बात हुई है। और मैं ऐसे बयानों से भाईचारा बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य करने की क्षमता पे कटाक्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कहीं कश्मीर केरल बंगाल ना बन जाए यूपी, गलती हुई तो मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कहीं कश्मीर केरल बंगाल ना बन जाए यूपी? देखिए ऐसा है कि कश्मीर में जब दूसरी सरकारें थी तो हमने अराजकता देखी है, वहां पे कश्मीरी पंडितों को मारा है, उनको बेघर किया गया है, उनको भगाया गया है और एक माहौल खराब किया गया है। उसी तरह वेस्ट बंगाल में हमने देखा कि जब इलेक्शन आए, इलेक्शन हुए पूरे, उसके बाद कितनी कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। तीनों में कह रहे हैं कि कश्मीर केरल और बंगाल ना बन जाए, आप फिर तो लोकतंत्र जो जनता ने वोट दिया आप तो उसका अपमान कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, जनता ने उसके बाद जिन लोगों ने जनता के जो ट्रस्ट है उसका हनन किया था, जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। और जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, हम सबको पता है खुले में चीटिंग हुई। जनादेश का सम्मान होना चाहिए ना, जनादेश क्या कहता है केरल? जनादेश का सम्मान है, लेकिन जो राजनीति, जनादेश का सम्मान है, सरकार सही बनी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार कार्य कर रहे ना, आप कह रहे कि केरल कश्मीर और पश्चिम बंगाल ना बन जाए, मैं वो समझना चाह रहा हूँ पश्चिम बंगाल का क्या मतलब है। पश्चिम बंगाल में जनता ने वोट दिया कि आप हमें स्टेबिलिटी दो, ट्रस्ट दो, पीस दो, प्रगति दो, लेकिन वेस्ट बंगाल सरकार तो कुछ नहीं कर पा रही। ये गन्ना चलेगा या जिन्ना चलेगा? गन्ना गन्ना क्या बात है, नहीं चलेगा क्या बात है चावला जी? मेरा एक प्रश्न है, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं चलेगा ना सर? वैभव जी पक्का? सर बोल तो दीजिए पक्का क्या सर, गन्ना या जिन्ना? गन्ना जिन्ना वगैरह के लिए, इन सब मसलों के लिए जगह नहीं है, सरकार के पास समय नहीं है।